वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो गाइस मैंने व्लॉग अभी स्टार्ट किया है शाम में 7:30 बजे। आज व्लॉग शूट करने का बीच में पड़ी था तो ये ना मुझे बोल रही है मुझे घुमाने लेके चलो। तो कहाँ ले चलूँ तुझे घुमाने? पानी पूरी खिलाने। मेरे पास पैसा नहीं है पापा। पैसा नहीं है, है? नहीं है, है? मुझे डैडी नहीं दिए पैसा है। अच्छा खाओगे कि पार्सल लाओगे पहले ये बताओ। खाओगे। खाओगे कौन सा, टीके वाली खाओगे कि मीठी वाली खाओगे? तीखी पानी पूरी खाओगे कि मीठी वाली खाओगे? मीठी वाली। मीठी वाली। मीठा ये खाती नहीं है, ये सादा मसाला पूरी खाएगी। सादा मसाला पूरी खाओगी। तो फिर चले? हाँ। पक्का? हाँ। अब देखना मामा के कान में सरप्राइज है। नहीं 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 नहीं, वो डैडी के कान में, मेरे कान में नहीं। डैडी अभी नहीं है। तो डैडी आएंगे ना, मुझे मत जो करे तो मैं बहुत मारूंगी, समझी? हाथ काटी ओके। तो मैं दांत तोड़ दूंगी। काटू? तोलू? तोड़ के दिखा। नहीं टूटा। नहीं टूटा। नहीं टूटा। कीड़ा लगा हुआ है, देखो कीड़ा दिख रहा है। नहीं ये किया। So guys, मैं इसे खिला लूँ पानी पूरी, फिर मैं आपको बताती हूँ कि हम जा रहे हैं और है ना उरेन? हाँ। हम पानी पूरी खाने जा रहे हैं ना? हाँ। ठीक है। So guys, मैं जा रही हूँ उरेन को लेकर पानी पूरी खिलाने और देखती हूँ कुछ सब्जी वब्जी मिलेगी तो सुबह के लिए ले लूँगी, क्योंकि इतने टाइम खाना तो इतना है कि अम्मा बेटी खा लेंगे बट अब पानी पूरी खा के आएंगे तो क्या ही खाएंगे। और दूसरी बात यह है कि हुरैन के डैडी ने भी खाना नहीं खाना है क्योंकि उनकी पसंद का खाना नहीं है, तो खाना तो बचेगा, फिर भी देखते हैं। और ऑनेस्टली मेरे पास पैसा नहीं है मगर मुझे ज़बरदस्ती घसीट के लेकर जा रही है बाज़ार। देखते हैं अब बच्चे से बढ़कर क्या ही है। भिंडी बाजार? हाँ। भिंडी बाजार जाओगे? हाँ। ये सारी फरमाइश ना डैडी से किया करो। नहीं भिंडी बाजार जाओगी? भिंडी बाजार। तो गाइस ये मेरे नकाब ओढ़ने का तरीका है, मोस्टली मैं नकाब ऐसे ही ओढ़ती हूँ, जब से मास्क निकले है ना तो थोड़ा अच्छा कवर अप हो जाता है। और मुझे एक मैसेज आया था जिसमें मतलब बताया गया था कि नोज पीस की जगह मास्क नहीं ले लिए, क्या ये ठीक है? तो एक्चुअली ना मतलब नोज़ पीस में भी तो आंखें दिखती थी, तो मतलब क्या है अभी भी नोज़ पीस, जो हाफ नोज़ पीस चली है वो भी मोस्टली लोग यहाँ से बांधते हैं, तो जब वो यहाँ से बांधते हैं तो भी इतना हिस्सा तो दिखता है और मास्क में भी है ना कवर अप हो रहा है। तो एक अपनी अपनी सोच है, या फिर शायद ऐसे कि मैं उनको ज़्यादा मैसेज करके याद दिलाती हूँ किसी भी चीज़ के बारे में तो वो सोचे होंगे कि आज ये आ गई खांचे में, इसको लेते हैं। तो इसके लिए उन्होंने मुझे वो मैसेज किया था, अगर रहा तो मैं इस इंशाल्लाह स्क्रीनशॉट ना थंबनेल में डालूंगी, आप चेकआउट कर लेना। तो ये मेरा सिंपल वे में तरीका है और मैं नकाब इसी तरह से मतलब मुसल्ला बांधती हूँ और नोज़ पीस की जगह इसके पहले मैं यहाँ से हाफ नोज़ पीस लगाती थी मास्क की जगह पर। तो ये मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ, ये मैं रेडी हो चुकी हूँ जाने के लिए। ग्रैंड तो ऑलमोस्ट रेडी है और ये यहाँ का पसारा मैंने थोड़ा सही कर दिया, बहुत मैसी लगता था। और ये वाला अभी तक बचा है, ये मेरे नाम पे प्रेस करने के लिए अभी तक बचा है। तो चलिए गाइस चलते हैं फटाफट, इसको खिला के लेकर आती हूँ, पॉसिबल रहा तो वीडियो बनाऊंगी ना तो सॉरी गाइस। सो गाइस मैं आपके साथ एक चीज़ और शेयर करती हूँ, ये मैंने कहा ना मेरे पास पैसे नहीं है, सच में मेरे पास पैसे नहीं है और ये मैं आपको काउंट करके बताती हूँ मेरे पास कितने हैं। और ये मुझसे पानी पूरी की डिमांड कर रही है, ये 100, 150,
60, 17, 18, 19 और 5 रुपये का एक डॉलर मेरे वॉलेट में है, मतलब 195 है, मगर इसमें से बच के आना मुश्किल है। मैं आने के बाद ना मेरे डैडी पैसे देंगे, वो मैं अपने पर्स में रखी होगी। डैडी देंगे तो ये अपने पर्स में रख लेगी, और तो ये भी बच के वापस नहीं आने वाला है। मैं आपको आके हिसाब बताती हूँ। सो गाइज, यहाँ पर हुरैन पानी पूरी खा रही है। एक्चुअली ये मसाला पूरी है, सादी मसाला पूरी, क्योंकि ये वही खाती है और उसी को वो पानी पूरी कहती है। ये हाफ प्लेट में इसका इनफ हो गया। फिर मैंने यहाँ से अपने लिए पार्सल लिया और मैं घर की तरफ जा ही रही थी कि मुझे अचानक से कॉल आई मेरी फ्रेंड की। तो उन्होंने और खाला ने मुझे इमरजेंसी में बुला लिया कि नहीं तुम अभी आओ, अगर आ सकती हो तो कुछ काम है। तो फिर मैंने सोचा अभी तो मैं बाज़ार की तरफ ही हूँ, फिर लौट के आना मुश्किल हो जाएगा, तो चल चलते हैं। तो यहाँ पर मैं गई थी वसीमा भाभी के घर पर, और फिर वहाँ पर हुरैन खेलने लगी वहाँ पर वो बच्चों के साथ। और एक्चुअली ये बच्चे भी हुरैन को माशाल्लाह बहुत मानते हैं, मतलब इनकी बहन नहीं है तो ये हुरैन उनकी बहन है। और ये आफान है जिसके बाजू में हुरैन बैठी है, बट ये लोग की पटती नहीं है, लड़ते बहुत है आपस में, हुरैन और आफान झगड़ा बहुत करते हैं दोनों। और बस वही, फिर मैं यहाँ पर चली गई तो काफ़ी टाइम हो गया बैठे बैठे, क्योंकि यहाँ पर जाओ ना तो फिर टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। मैं यहाँ से 8:30 बजे के लगभग लौटी थी, तो वहाँ से लौटते टाइम पे भी ना ये अयान अयाज मतलब बोले कि हम भी चलेंगे, और हुरैन भी मतलब पीछे पड़ गई कि ये लोग को लेकर चलो। तो फिर ये लोग साथ में ही हमारे घर पर वापस से आए थे। फिर यहाँ पर भी ये लोग खेले, हल्ला गुल्ला मचा, काफ़ी ये लोग खेले, क्योंकि मैंने वीडियो तो थोड़ी सी बनाई है, बट उसके बाद भी ये लोग खेल रहे थे। एक्चुअली मैंने छोटी सी वीडियो इसके लिए बनाई कि थोड़ा फटाफट करके और मैं एडिटिंग पे डाल देती हूँ, तो पता चला नहीं तो फिर कोई वीडियो मिस हो जाएगी, गैलरी में है और एडिट नहीं होगी या वॉइस ओवर नहीं होगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसके लिए मैंने ये छोटी सी ही वीडियो बनाई। और ये लोग खेल रहे हैं, और लगभग ये लोग 10 बजे यहाँ से चले भी गए। इनकी मम्मी की कॉल आई थी कि भेज दो, तो ये लोग चले गए और हुरैन उदास हो गई। सो गाइज, यहाँ पर सारा काम फिनिश हो चुका है। आज तो दिन भर कोई काम भी नहीं था, मतलब जैसे अभी आपने देखा हुरैन वहाँ पर खेली, फिर यहाँ पर खेली, तो अभी वो लोग भी जा चुके हैं। वो लोग को जाके काफ़ी टाइम हो चुका है और अभी रात के 11:30 बज रहे हैं, और यहाँ पर मैंने बिस्तर लगा लिया, ये सो रही है। एक्चुअली ये सो नहीं रही है, ये नाटक कर रही है। तो फिर आज का मेरा दिन ऐसे ही गुजरा, और मैंने आपको बताया था ना कि मैं 195 लेके जा रही हूँ, तो मेरे पास 90 रुपीज़ बच गए हैं, जो कि बोलते हैं ना मैजिक हो गया है, क्योंकि हमेशा मेरे पास 200 में कुछ भी नहीं बचते हैं, डेली मुझे 200 रुपीज़ कम पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे ये वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। चलिए, बाय, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।